नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है वृश्चिक राशि वालों। दोस्तों, भगवान बजरंगबली के आशीर्वाद से 20 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल का यह समय आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। जहाँ दोस्तों, आपको बता दें कि यश में ग्रहों की स्थिति बहुत ही खास रहने वाली है, क्योंकि दोस्तों यश में हनुमान जी के आशीर्वाद से कई क्षेत्रों में, कई नक्षत्रों में दुर्लभ विषयों का निर्माण होने वाले हैं, जहाँ पर शुभ योग के साथ साथ धन योग का भी निर्माण होगा। जहाँ दोस्तों यश में आपको कई बड़े कार्यों में सफलता प्राप्त होंगी, कई बड़े आपके रुके कार्य भी बनने वाले हैं। जहाँ दोस्तों, आपको बता दें कि भगवान बजरंग बली के आशीर्वाद से आपके जीवन से संकट खत्म होंगे, आपके जीवन से शत्रु समाप्त होंगे और आपके जीवन की जो भी रास्ते हैं, जो भी आपके रास्तों में संकट बाधाएं, यश में दूर होने वाले हैं और आपका जीवन सुखमय बनने वाले हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि ये 10 दिन आपके लिए बहुत ही खास और बहुत ही ज़्यादा भाग्यशाली रहने वाले हैं। ऐसे में दोस्तों, अब आपका दायित्व होता है कि इन समयों का आप किस प्रकार सदुपयोग में लाते हैं। तो दोस्तों, ऐसे में आप वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें और शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। इनमें आप सभी महत्वपूर्ण जानकारियों को जानेंगे कि यश में अंतराल में आपको किन क्षेत्रों को लेकर सावधान रहने होंगे, कौन से कार्य आपके लिए भाग्यशाली होंगे और किन क्षेत्रों में कार्य करने से आपको लाभ की प्राप्ति होगी। भगवान बजरंगबली के आशीर्वाद से आपके घर के माहौल में और पारिवारिक जीवन में क्या क्या सुधार होने वाली है, तो दोस्तों अंत तक देखिएगा। उससे पहले दोस्तों, जो भी व्यक्ति वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय हनुमान, जय संकट मोचन का नारा लगाएगा, गुरु जी का सदैव और हनुमान जी का सदैव आशीर्वाद प्राप्त करेगा। तो दोस्तों जरूर लिखिएगा। और अगर आप चैनल पर भी नए हैं तो दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर लें। तो आए दोस्तों, वीडियो को प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, यश में ग्रह स्थिति आपके पक्ष में है, अपनी महत्वपूर्ण योजनाओं को क्रियान्वित करने का आपका उचित समय होगा। आपकी प्रतिभा व फिर क्षमता सबके सामने उजागर होगी, जिसे दोस्तों आपको कुछ उपलब्धियां भी यश में हासिल होंगी। किसी समाज सेवी संस्था में सहायता संबंधी गतिविधियों में भी उत्तम समय आपका व्यतीत होगा। इसके उपरांत दोस्तों यश में अगर आपकी सावधानी को लेकर बात करें तो दोस्तों यश में अनावश्यक खर्चों पर जो है ध्यान रखें, यश में खर्चों में आपको कटौती करना चाहिए। दोस्तों आपको बता दें, अगर आप वाहन या फिर घर से संबंधित लोन लेने की योजना बना रहे हैं तो दोस्तों अपनी क्षमता से अधिक ऋण लेने का प्रयास यश में ना करें और ये आपके लिए बेहतर होंगे। विद्यार्थी व अपने युवा वर्ग फालतू की गतिविधियों की अपेक्षा अपने लक्ष्य पर ध्यान देना आपके लिए यश में बहुत ही आवश्यक होंगे। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए जो समय होगी, दोस्तों आपको बता दें कि परिवार के लोगों से सहयोग न मिलने पर परेशानियाँ बढ़ सकती है, निराशा के कारण काम से संबंधित निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, इसलिए दोस्तों पैसे से संबंधित तनाव भी आपका बढ़ सकता है। दोस्तों आपको बता दें कि जानकार व्यक्ति की सहायता से आपको आपके जीवन में बढ़ रही तकलीफों से दूर होना संभव हो सकता है। तो दोस्तों इसमें अपने जो भी आपके वरिष्ठ व्यक्ति हैं उनसे इसमें सलाह और विचार विमर्श जरूर करें, ये आपके लिए इसमें बेहतर साबित होंगे। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए समय होंगे, आपको बता दें कि दोस्तों समय आपके लिए तो बेहतरीन वातावरण तैयार कर रहा है, अपनी कार्यक्षमता और योग्यता को आपको इसमें बस पहचानने की जरूरत होगी। घर तथा समाज में आपकी विशेष रूप से प्राथमिकता रहेगी, परिवार के साथ कोई धार्मिक यात्रा संबंधी प्रोग्राम भी यश में बन सकता है। दोस्तों आपको बता दें कि आपकी तरक्की को देखकर कुछ लोगों में जलन की भावना भी आ सकती है, परंतु दोस्तों इन बातों को आपको नज़रअंदाज करके अपने स्वभाव में सजगता और मधुरता कायम रखना चाहिए, ये आपके लिए बहुत ही आवश्यक होंगे और भविष्य के लिए भी। आपको बता दें कि किसी मित्र के साथ आपका किसी बात बात की स्थिति भी बन रही है, तो दोस्तों यश में किसी के साथ उलझने की कोशिश ना करें। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए समय होंगे, आपको बता दें कि घर से संबंधित बड़े निर्णय आपके द्वारा लिए जाएंगे, नए घर या फिर प्रॉपर्टी को लेने के निर्णय में आपका महत्वपूर्ण सहयोग भी यश में रह सकता है। अगले 3 महीनों में आप अपने लक्ष्य के करीब कैसे जा सकते हैं, इस बात का यश में आपको योजना बनाना चाहिए और इसे अमल करने का आपको प्रयत्न भी करना चाहिए। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए जो समय होंगे, आपको बता दें कि यश में अद्भुत मानसिक शांति का आप अनुभव भी करने वाले हैं। आप अपने आत्मविश्वास और मनोबल के सहारे किसी विशेष लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास भी करेंगे। घर में किसी प्रिय संबंधी के आगमन से खुशी का आप महसूस भी करेंगे तथा कई योजनाएं पर गंभीरतापूर्वक विचार विमर्श भी यश में होने वाले हैं। इसके उपरांत दोस्तों यश में अपने स्वभाव में भावुकता होने की वजह से कोई छोटी सी नकारात्मक बात आपको परेशान कर सकता है, बेहतर होगा कि दूसरों की बातों में ना आए
और दोस्तों यश में अपने काम से ही आपको मतलब रखना चाहिए। यश में अपने खर्चों पर भी आपको नियंत्रण रखना जरूरी होगा। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए समय होंगे, आपको बता दें कि दिन की शुरुआत में आपका कन्फ्यूजन का सामना होगा। आप परिस्थितियों के प्रति लापरवाही कर रहे हैं जिसकी वजह से आपका तकलीफ और अधिक बढ़ रहा है। दोस्तों आपको बता दें कि व्यक्तिगत जीवन से संबंधित बातों की अधिक चर्चा ना करें। जो निर्णय केवल आपको ही लेना है उस निर्णय के बारे में अधिक सोच विचार करके ही आपको इसमें आगे बढ़ना चाहिए। दोस्तों ये आपके लिए बहुत ही आवश्यक होंगे। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके सकारात्मक तथा संतुलित सोच विचार आपके कार्यों को पूरा करने में सहायक रहेंगे। समय अनुकूल है, विद्यार्थियों तथा युवाओं को प्रतिस्पर्धा के क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने की उत्तम संभावनाएं हैं। दोस्तों इसलिए पूरी तरह एकाग्रचित होकर अपने लक्ष्यों के प्रति ध्यान को केंद्रित करें। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए जो समय होंगे, आपको बता दें कि हड़बड़ी में जो भी आपने निर्णय लिए हैं उनका परिणाम यश में आपको दिखने वाले हैं। जो बातें आपके मन के खिलाफ हो रही हो उनको दूर करने के लिए आपके द्वारा यश में प्रयत्न भी किए जाएंगे। लेकिन दोस्तों गुस्से में निर्णय ना टालें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। परिस्थिति के प्रति आपको स्वयं दिखाने की भी आवश्यकता होगी। इसके उपरांत दोस्तों यश में अगर आपकी करियर को लेकर बात करें अर्थात आपके व्यवसाय की, तो दोस्तों यश में बिजनेस में कोई भी नया काम करने से पहले उसके बारे में पूरी तरह जानकारी अवश्य प्राप्त करें। दोस्तों किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से मुलाकात आपके कार्यों में सहायक साबित होंगी। मल्टीनेशनल कंपनी से कार्य कर रहे जो भी लोग हैं उन्हें विशेष कार्यभार यश में मिल सकता है। आपको इसमें पदोन्नति मिलने की भी संभावना बन रही है। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके करियर के लिए जो समय होंगे, दोस्तों आपको बता दें कि काम से संबंधित हो रही भागदौड़ आपके अंदर थकान पैदा कर सकती है जिसकी वजह से काम की क्वालिटी पर भी इसका असर पड़ सकता है। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके करियर के लिए जो समय होंगे, आपके व्यवसाय के लिए जो समय होंगे, दोस्तों आपको बता दें कि बिजनेस में किसी भी महत्वपूर्ण फैसले को स्थगित रखें। पार्टनरशिप संबंधी चल रहे विवादों का समाधान निकलेगा तथा संबंधों में दोबारा मधुरता आएगी। दोस्तों कोई व्यापारिक नया एग्रीमेंट भी हो सकता है। यह वर्ग जो जॉब संबंधी कोई भी शुभ सूचना भी प्राप्त कर सकते हैं। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके करियर के जो समय होंगे, आपके व्यवसाय के लिए जो समय होंगे, दोस्तों आपको बता दें कि मीडिया तथा ऑनलाइन कामों से जुड़े बिजनेस यश में सफल रहेंगे, परंतु अन्य व्यवसाय की गतिविधियाँ कुछ धीमी रहेंगी। दोस्तों नौकरी पेशा व्यक्तियों को काम की अधिकता की वजह से घर में ऑफिस का काम भी करना पड़ सकता है। दोस्तों आपको बता दें कि यश में आर्किटेक्ट या फिर रियल इस्टेट से संबंधित लोगों को यश में बड़ा फायदा नजर आ सकता है। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके करियर के लिए जो समय होंगे, आपके व्यवसाय के लिए जो समय होंगे, दोस्तों आपको बता दें कि व्यवसाय के कामों में आपको अपनी मेहनत और परिश्रम के अनुरूप परिणाम भी हासिल होने वाले हैं। मार्केटिंग में आपको आपकी जो छवि होगी वो बहुत ही उत्तम होगी और ये छवि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी और बेहतरीन ऑर्डर भी इससे आपको प्राप्त होने की संभावना बन रही है। दोस्तों आपको बता दें कि अपने संपर्कों का दायरा भी यश में आप मजबूत रखें, ये आपके भविष्य के व्यवसाय के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। इसके साथ दोस्तों यश में आपके अगर आपकी लव लाइफ को लेकर बात करें, तो दोस्तों यश में घर तथा व्यवसाय में उचित सामंजस्य बना रहेगा और इनमें पति पत्नी का बहुत ही बड़ा हाथ रहेगा। प्रेम संबंधों में भी यश में प्रगढ़ता आने वाली है। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके प्रति जो भी पार्टनर की बातों की बहुत ही सकारात्मक बात होने वाली है। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लव लाइफ के लिए जो समय होंगे, आपके पारिवारिक जीवन के लिए जो समय होंगे, दोस्तों आपको बता दें कि पारिवारिक माहौल यश में खुशनुमा और फिर मधुर रहेगा। विपरीत लिंगी व्यक्तियों से व्यवहार करते समय आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपके मान सम्मान में कमी ना आए। इसके उपरांत दोस्तों ये जो समय होंगे आपके लिए जो है पार्टनर्स मिलजुल कर अपने निर्णय को आगे बढ़ाने की भी कोशिश करेंगे। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लव लाइफ के लिए जो समय होंगे, आपको बता दें कि पति पत्नी के बीच मधुर संबंध तो बना रहेगा। प्रेम संबंधों में विवाह के लिए निर्णय लेने के लिए भी समय बहुत ही उत्तम समय होगा। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए जो समय होंगे, आपके लव लाइफ के लिए जो समय होंगे, दोस्तों आपको बता दें कि अत्यधिक व्यस्तता के कारण पति पत्नी एक दूसरे के साथ समय व्यतीत नहीं कर पाएंगे, परंतु घर के वरिष्ठ व्यक्तियों की स्नेह व फिर आशीर्वाद आपके ऊपर हमेशा रहेगा। इसके उपरांत दोस्तों यश में अगर आपकी स्वास्थ्य को लेकर बात करें अर्थात आपकी हेल्थ की, तो दोस्तों यश में नजला जुकाम अथवा कफ प्रकृति जैसे चीज़ों से आपको बचना चाहिए। ये चीज़ आपको परेशान कर सकता है, इसलिए दोस्तों यश में आपको लापरवाही नहीं करना चाहिए और इनका उचित इलाज भी करना चाहिए। इसके साथ ही दोस्तों यश में आपके हेल्थ के लिए जो समय होंगे, आपके स्वास्थ्य के लिए जो समय होंगे, दोस्तों आपको बता दें अगर आप थोड़े से भी सावधानी रखेंगे तो स्वास्थ्य आपका उत्तम रहेगा। परंतु दोस्तों वर्तमान मौसम की वजह से लापरवाही करना आपके लिए इसमें आवश्यक नहीं होंगे, तो दोस्तों यश में सतर्क रहने की आपको आवश्यकता होगी।
दोस्तों कब्ज या फिर गैस की वजह से आपको परेशानी हो सकती है। व्यवस्थित दिनचर्या रखें तथा सुपाच्य आहार लें, ये आपके स्वास्थ्य के लिए इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। दोस्तों ये सभी चीज़ आपके स्वास्थ्य के लिए बेहतर होंगी। मानसिक काम आपको करने से थोड़ा सा बचना चाहिए, काम के साथ साथ आपको इसमें आराम भी करने की जरूरत होगी।